सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ TVS के RP45 प्रिंटर के बारे में, जिसमें मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपका प्रिंटर पेपर सीख से आगे नहीं मूव कर रहा है या प्रिंट करते टाइम आवाज़ कर रहा है तो इसमें आपको गियर चेंज करना रहते हैं, और किस तरीके से आपको गियर चेंज करना है वो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्रिंटर का फ्रंट कवर ओपन कर रखा है। ये है TVS का RP45 कैश रिसीप प्रिंटर, मतलब आप इसे छोटी सी रिसीप वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसके ये राइट हैंड साइड में जो गियर दिख रहा है वो चेंज करने वाला हूँ, जिससे हमारा रोलर मूव करता है। और एक गियर मोटर के पास में और लगा हुआ, उसको भी चेंज करना है। सबसे पहले आप लोग इसके कंट्रोल पैनल को निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पर लगे होते हैं दो स्क्रू, इनको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये पूरा प्रिंटर जो अंदर इसके जो पार्ट्स लगे वो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रू ओपन कर ले रहा हूँ। एक बात का और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको स्क्रू निकालने के बाद ये फ्रंट साइड जो है इसे ऊपर के लिए खींचना है, तो आपका ये प्रिंटर साइड से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो गियर वाली साइड है वो आपको थोड़ा सा तिरछा करके निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ज़्यादा पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो रोलर के ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसको पहले स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे गियर लगा देने हैं। गियर निकालते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सी साइड से कौन सा गियर लगा हुआ है इसका देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी गियर उल्टा लग जाएगा तो आपका प्रिंटर जो वर्क कर रहा था वो भी नहीं करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग गियर की जो कट है वो आप लोग यहाँ पर ठीक से देख लीजिएगा, ना समझ में तो आप लोग इस वीडियो को ले करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये दोनों गियर चेंज करने वाला हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करिए। चलिए इसके गियर को मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका एक प्रिंटआउट भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। जो ये गियर थे इनके जो दांत होते हैं इसमें, मतलब प्लास्टिक के गियर हैं तो कट जाते हैं और इन्हें बदलने की ज़रूरत इसीलिए रहती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देख लेना है, पहले मूव करके चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर दूसरे गियर लगा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों गियर सेट कर लिए हैं, और चलिए इसके बाद सेट करने के बाद प्रिंटर को वापस फिर से असेंबल कर दे रहे हैं जिस तरीके से जो पहले लगा हुआ था। और पेपर रोल को आपको फिर से पेपर यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेस करके आपको ये पार्ट्स को बैठाना पड़ेगा, जो इसका पूरा प्रिंटर की सेटलमेंट है इसको सही से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो स्क्रू जो लगे होते हैं उनके साथ में एक रबड़ भी होती है, वो रबड़ भी आपको ठीक से सेट करना पड़ेगी, नहीं तो प्रिंटर चलते टाइम वर्क करते टाइम जब आप प्रिंट आउट देते हैं तो अब आवाज़ करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रू आपको सेट कर लेने हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रू लगा दीजिएगा। स्क्रू लगाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपका जो कंट्रोल पैनल है वो आप वापस लगा के आपको पेपर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप लोग अगर पेपर नहीं ले रहा तो आप लोग एक बार पेपर निकाल के आप लोग प्रिंटर ऑन करेंगे तो रोलर जैसे पेपर से टच होगा तो ऑटोमेटिक मूव करने लगेगा, और आप इसमें जो कंट्रोल पैनल बीच वाला बटन है वो प्रेस करके आप लोग पेपर को अंदर से बाहर के लिए मूव करा के बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको अगर प्रिंट आउट देना है तो पावर को ऑफ करके
जो पावर के बटन के पास राइट हैंड साइड में पहला बटन है उसको दबा के रखिएगा और पावर ऑन कर दीजिएगा, तो आपका प्रिंट जो बाय डिफॉल्ट है वो आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, प्रिंटर तो फिट हो गया। यहाँ पर इसका रिबन भी चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका रिबन भी ख़राब हो चुका था, तो यहाँ पर मैं इसका रिबन चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद करते हैं प्रिंट आउट। प्रिंटर में पेपर रोल आपको कुछ इस तरीके सेट करना है। ऑन करेंगे और आप जैसे पेपर रोलर के पास जाएगा वैसे ही आपका रोलर मूव करने लगता है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ाते रहें तो पेपर कुछ इस तरीके निकल आएगा और जो आपका जो पेपर वाला बटन है बीच वाला बटन उससे आप मूव करा के प्रिंट बाहर निकाल सकते हैं। और पावर बटन को जो पहला बटन आपको दिख रहा है इसको दबा के पावर ऑन करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटर हमारा सक्सेसफुल वर्क कर रहा है, यहाँ पर गियर ठीक से चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग भी गियर चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है। इसमें आप लोग ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वैसे आप लोग कर लीजिएगा। और गियर चेंज करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें जो गियर आपका कटा हो वही चेंज करिएगा, क्योंकि फालतू में आप लोग खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यही वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो को देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।